नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट इंडिया मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं बहुत सारे लोग अब तक जान चुके हैं कि दिस इज एकेडमी चैनल इज रिलेटेड विदली आयुर्वेद एंड हेल्थ रिलेटेड बट ज्योतिष शास्त्र अंक शास्त्र हस्त सामुद्रिक शास्त्र ये भी वैदिक साइंसेस होने के कारण प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देश अब आप लोगों को ये जो हमारी चैनल की जो सुविधा है और एक बढ़ाएंगे उसमें ज्योतिष अंकशास्त्र हस्त सामुद्रिक का ज्ञान और पेड कंसल्टेशन भी अभी उपलब्ध है मेरे सारे टीम ऑफ द डॉक्टर्स एंड टीम ऑफ द स्पेशलिस्ट के द्वारा तो आज हम बात करने वाले एक्सप्लेन करने वाले हैं चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में ठीक है तो कन्या राशि के बारे में अब हम चर्चा चालू करते हैं ये देखिए जब हमको चंद्र राशि कौन सी है ये जानना है तो क्या करना चाहिए चाहे आपकी खुद की हो या मित्र की हो या रिश्तेदार की हो लग्न कुंडली देखनी चाहिए क्या देखनी चाहिए लग्न कुंडली और उस लग्न कुंडली में चंद्र ग्रह के साथ कौन सा अंक है यह बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज द नंबर विच इज एडजॉइनिंग विच इज रिलेटेड विद द सेम हाउस विद द चंद्र मून वही आपकी चंद्र राशि है हमेशा जब आप अब ये वीडियो के बाद एक दूसरे को पूछेंगे कि आपकी राशि कौन सी है न सिर्फ पूछे कि कौन सी राशि है बट पूछो कि चंद्र राशि कौन सी है क्योंकि तो बहुत सारे लोग बता देते हैं सूर्य राशि और उसमें कुछ कंफ्यूजन बन जाता है क्योंकि तो मैं सारी बातें जो कह रहा हूं वो चंद्र राशि के हिसाब से बातें कर रहा हूं हमारी भारतवर्ष में वैदिक संस्कृति में चंद्र राशि महत्वपूर्ण मानी गई है पाश्चात्य देश में यूरोप अमेरिका में एस्ट्रोलॉजर्स सूर्य राशि को महत्व देते हैं वो ज्यादातर महीना के जानवरी सितंबर अक्टूबर कौन सा जन्म हुआ इसी के अनुसार वो सूर्य राशि बहुत ज्यादा लोग जानते हैं फिर आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपकी चंद्र राशि कौन सी है है इसका जो प्रोसीजर है, वो मैंने यहाँ पर बता दिया है जैसे कि अभी हम कन्या राशि की बात कर रहे हैं कन्या राशि आपकी या मित्र की या रिश्तेदार की इसका मतलब ऐसा होता है उस कुंडली में जिसकी भी आप बात कर रहे हैं उसकी लग्न कुंडली में चंद्र के साथ छे नंबर का अंक है ध्यान में रखें चंद्र ग्रह कौन सी भी स्थान में हो सकता है हमारी कुंडली में बारह स्थान है कौन सी भी स्थान में हो जाए फिर उसके साथ नंबर कौन सा है ये देखिए कुंडली ऑफ द फेमस एक्टर अजय देवगन इसकी चंद्र राशि कन्या है क्यों कन्या है मैं आपको यहां पर यहां आपको मून देखना पड़ेगा क्या देखना पड़ेगा ओ एम ओ का मतलब मून मून का मतलब चंद्र चंद्र के साथ नंबर कौन सा है सिक्स नंबर और ये हाउस कौन सा है वन टू एंड थ्री थर्ड हाउस फॉरगेट अबाउट हाउस एट द मोमेंट हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि चंद्र के साथ कौन सा नंबर है वो आपकी चंद्र राशि है तो अजय देवगन की चंद्र राशि कन्या है अभी जो बातें मैं करूंगा तो वो बात में से एटी 90 परसेंट वी डोंट नो वी अजय देवगण की पर्सनैलिटी से मिलती जुलती रहेगी कई कबार कई बातें मिलती जुलती नहीं भी हो सकती वीडियो न कि अजय देवगण के ऊपर है फिलहाल ये वीडियो कन्या राशि का व्यक्तिमत्व जानने के लिए है क्योंकि जब हम पॉजिटिव मेरे में मुझ में पॉजिटिव क्या है निगेटिव चीज कौन सी है इसका पता चलता है तो हम अभी ज्यादा आरोग्यपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्तर पर बन सकते हैं चालू करते हैं कन्या राशि के बारे में इसका चिन्ह एक कुमारी दिखाई गई है पृथ्वी तत्व इसमें मौजूद है जैसे आप पांच महाबुद्ध जानते हैं पृथ्वी आप तेज वायु आकाश तो पृथ्वी तत्व हमेशा स्टेबिलिटी देता है फिलहाल ये द्विस्वभावी राशि है मतलब उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हमेशा रहता है उसका जो राष्ट्राधिपति है जो मालिक है वो बुध ग्रह है और बुध इज हमेशा इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता से निगड़ित होता है कन्या राशि का जो अमल है पॉजिटिव हो या निगेटिव वो आंत्र के ऊपर होता है इंटेस्टाइन्स पेट जो एबडोम ऑर्गन्स है महिला जननांग अंगों पर भी इसका कार्य होता है जैसे कि यूटेरस हेलोपियन ट्यूब ओवरी स्त्री के जो अवय होते उसपे ऊपर तो भी यह कन्या राशि का प्रभाव ज्यादातर होता है कुंडली में नैसर्गिक कुंडली में यह छठे स्थान पर होती है तो बहुत अच्छा माना जाता है उसका टैग जो सेंटेंस है जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है अनुशासन कन्या राशि मतलब अनुशासन डिसिप्लिन इज अ स्पेशलिटी ऑफ कन्या राशि उसका कन्या राशि का एक ऐसा स्पेशलिटी है कि वो विस्तार के ऊपर ध्यान देती है सुपरफिशियल कोई चीज उसको पसंद नहीं है सुपरफिशियल नहीं चाहती वो चाहती है कि उसका गहन अभ्यास हो जाए डिटेलिंग में उसका ताल्लुकात होता है कौन सा भी सब्जेक्ट कौन सा भी प्रसंग कौन सी भी एक्टिविटी वो सुपरफिशियली नहीं करनी चाहती वो हमेशा उसका डीप में सब ये बातें उसकी चलती रहती है कार्य के प्रति बहुत निष्ठा रखती है कन्या राशि और समर्पित भावना से वो कौन सा भी कार्य चाहे वो घर का काम हो और नौकरी धंधे का काम हो व्यवसाय का काम हो कले का काम हो कहा भी कौन सा भी काम करना है तो उसके ऊपर निष्ठा और समर्पित भावना ये कन्या राशि का वैशिष्ट है कन्या राशि वाले जल्दी ही गलतियां निकाल लेते हैं फॉल्ट फाइंडर बोलते उसको आलोचनात्मक उनकी दृष्टि होती है बहुत ही एनालिसिस एनालिटिकल पावर उसमें मौजूद होती है इसमें यह चीज अच्छी है इसमें यह चीज बुरी है फटाफट फटाफट फटा फटा उसका कंक्लूजन निकाल देती जाती है उसके साथ साथ भारत स्वच्छ अभियान साफ सफाई की कन्या राशि को आंतरिक इच्छा हमेशा रहती है क्लीनलीनेस शी वॉन्ट्स ही वॉन्ट्स द क्लीनलीनेस मिथुन राशि की तरह कन्या राशि भी मानसिक रूप से चुस्त होती है एक्टिव होती है इन्हें कन्या राशि को पसंदीदा का जो उनका विषय है जो लाइक करती है जो विषय उसमें गहराई से अध्ययन करने की उसको आदत होती है कन्या राशि उन उद्योगों में आनंद लेती हैं जो समाज के लिए ज्यादा उपयुक्त चीजें हैं उसको कन्या राशि में ज्यादा आनंद मिलता है कन्या राशि के लोग जो होते हैं वो कर्तव्य के प्रति बहुत निष्ठावान होते हैं और डेडिकेशन उनका बहुत अच्छा होता है कन्या राशि के पुरुष बुद्धिमान हैं और थोड़े लोगों की ओर आकर्षित हो जाते हैं प्यार को लेकर कन्या राशि की उम्मीदें काफी ज्यादा होती है ध्यान रखिए बीस की उम्र में व्यक्ति को अपने होले वाले जो पार्टनर हैं उनको लेकर सतर्क रहना चाहिए हा? उन्हें ऐसा साथी मिल सकता है जो उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकता। That is a very sad situation. तो बहुत सोच समझ कर ये अपना पार्टनर ढूंढने की बहुत जरूरत कन्या राशि को पड़ती है क्योंकि कभी कभार प्रॉपर सिलेक्शन ना हो जाए तो पार्टनर चिड़चिड़ा भी हो सकता है कभी कभार कन्या राशि में पार्टनर के साथ चाहे वो पति हो कन्या राशि का पति चाहे वो पत्नी हो कन्या राशि की पत्नी पार्टनर के साथ विवाद होने की बहुत सारी संभावना रहती है तो पत्रिका मिलन करने से ही विवाह करने से कन्या राशि को फायदा मिल सकता है कन्या राशि का शासक जो है वो ग्रह है मिथुन की तरह बौद्धिक क्षेत्र जो भी जहां भी बुद्धि लगानी पड़ती है इंटेलिजेंस से काम करना पड़ता है इंटेलेक्चुअल वर्क जहां ज्यादा होता है न कि फिजिकल लेबर इंटेलेक्चुअल लेबर कन्या राशि के लिए वो अनुकूल है कन्या राशि में पढ़ने लिखने का शौक होता है पशु पक्षियों को पालने का शौक होता है उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन में बहुत रुचि होती है कन्या राशि के लोगों को चेहरे की जो हड्डियां होती है कन्या स्त्री की वो बहुत अच्छी आकर्षक व्यक्तिमत्व होता है रहस्यमय आंखें होती है साफ सुथरा जीवन होता है कन्या महिला की ये सब विशेषताएं हैं न चाहते हुए भी कन्या राशि की स्त्री जो है वो आसपास एक संवेदनशील माहौल बना सकती है प्यार में ये उम्मीद करती है कन्या राशि की स्त्री कि उसका पार्टनर बहुत समझदार होना चाहिए कन्या राशि के पुरुषों की तरह कन्या महिला भी प्यार में शुरुआती चरण में बहुत संशयशील होती है संशय लेती है हमेशा और कई बार ये संशय लेने के कारण झगड़े की स्थिति फाइटिंग इन बिटवीन द पार्टनर्स हो सकता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है यह संशय की वजह से कन्या राशि की महिलाएं अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखती है बिजनेस में उसका सफल होना तय है बिल्कुल शी विल बी द सक्सेसफुल लेडी इन द बिजनेस क्योंकि उसे न सिर्फ दुनिया बल्कि राजनीति का भी अच्छा ज्ञान होता है जिसको बोलते हैं ना टैक्टिक्स एंड पॉलिटिकल गिमिक्स वो बहुत अच्छा तरह से कर सकती है कन्या राशि की स्त्री किताबें और कला वस्तुएं खरीदने पर अधिक खर्चा कर लेती है कन्या राशि की स्त्री अच्छी गृहिणी है, है एक चतुर राजनीतिज्ञ भी हो सकती है जानवरों से भी उसका लगाम या प्यार हो सकता है अभी हम बात करेंगे कन्या पुरुष कन्या राशि का व्यक्ति पुरुष देखने में सुंदर होता है इसकी उपस्थिति कन्या राशि की व्यक्ति पुरुष जब उपस्थित होता है तो एक सुखद वातावरण बना जाता है कन्या राशि का पुरुष चौकस है और मेहनती भी है जैसा अजय देवगण है ना, उन्हें साफ सफाई का बहुत शौक होता है। बाथरूम को भी साफ और सुंदर रखने की जो जिद्द है वो ये कन्या पुरुष में होती है कन्या पुरुष रसोई में खाना पकाते समय दूसरों का यहां तक कि अपनी पत्नी द्वारा परेशान किया जाना उनको पसंद नहीं लगता हमेशा अच्छे माहौल में रहना कन्या राशि का पुरुष पसंद करता है चीजों को इकट्ठा करना उसकी एक आदत होती है किसी भी काम को समर्पित भावना से और जान की कीमत पर करने की उनकी आदत होती है कन्या पुरुष इसलिए दूसरों की किसी सराहना या प्रशंसा की बिल्कुल अपेक्षा नहीं करता उसको कोई लेना देना नहीं है आ, कोई चाहे वो प्रशंसा करे या न करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको फर्क पड़ता है कि अच्छा काम करना चाहिए अच्छा काम करने के बावजूद भी उसे हमेशा कन्या पुरुष को यह महसूस होता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है इतना डेडिकेटेडली सब करता है फिर भी समाधान नहीं हो पाता उसको लगता है कोई चीजें और अच्छी होनी चाहिए थी और अच्छी होनी चाहिए थी ये कन्या राशि का वैशिष्ट है कन्या राशि वाले इस बात को लेकर सजग रहते हैं कि उनका काम बेहतरीन होना चाहिए अच्छा होना चाहिए करियर भी अच्छा होना चाहिए उन क्षेत्र में जहां सीधा तौर पर समाज सेवा की जाती है जैसे कि वृद्धाश्रम है अनाथालय है अस्पताल है धर्मशाला है आदि कंसर्न जो है ना इसके संबंधित व्यवहार बिजनेस नौकरी करना कन्या राशि को अच्छा है कन्या राशि के पुरुष या कन्या राशि वाले लोग बच्चों में रमते हैं और सब निस्वार्थ और निष्काम भाव भावना से ये सब काम करते रहते हैं अभी इकोनॉमिकल स्टेटस वित्तीय स्थिति हालांकि कन्या राशि के लोग खर्चीले होते हैं लेकिन कभी कभी अचानक से पैसा खर्च करने के लेकर वो रिजर्व हो जाते हैं संकोची बन जाते हैं वे आपस में बहस करते रहते हैं कि क्या उन्हें अमुक चीज नहीं लेनी चाहिए थी क्या न लेने पर काम नहीं चलेगा ऐसा अंतर मन में हमेशा उनका डिबेट चलता रहता है वाद विवाद खुद के द्वारा वही जेब में पैसे न होने पर भी कुछ ऐसा हो जाता जो उन्हें पैसा खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है वो ऐसी चीजें दोबारा न करने का फैसला करता है कन्या राशि वाला लेकिन फिर वही गलती कर बैठता है समझ गया कैसी उसकी मुश्किल पड़ जाते हैं खर्च करने में आगे चलते हैं शारीरिक स्थिति कन्या राशि की इसकी बनावट चाहे वो पुरुष या स्त्री हो पतली लेकिन आकर्षक डेफिनेटली होती है शरीर पतला होता है बिना वजह चिंता करने की उनको आदत होती है और इसका असर सब एंजाइटी टेंशन का असर हमेशा पेट के ऊपर पड़ जाता है पाचक तंत्र जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको बोलते हैं उसमें हमेशा गड़बड़ी रहती है साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स आर मोर कॉमन इन द कन्या राशि शरीर मानस स्तर पर जो आजार होते हैं बीमारियां होती हैं वो कन्या राशि में ज्यादा पाई जाती हैं जैसे चाहे वो कोलाइटिस की बीमारी हो अपचन इंडाइजेशन अल्सर्स ये सब रोग होने की संभावना कर्क राशि कन्या राशि में ज्यादा होती है लेकिन कन्या राशि वाले स्वभाव से बहुत चतुर बुद्धिमान होते हैं और वो जानते हैं कि एक फलाना फलाना आहार और इसी तरह का जीवन शैली या व्यायाम करने के माध्यम से मैं खुद की तबीयत अच्छी रख सकता हूं मैं स्वस्थ बन सकता हूं इसके लिए वो खुद जागरूक होते उनकी उतनी भी होती है तो जरूर ये व्हाट्सएप नंबर क्लिक फोटो निकाल के रखिए और मेरे को संपर्क कर दीजिए कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और ऐसा ही मेरे चैनल पर प्रेम जताने के लिए चैनल सब्सक्राइब करते रहिए हमेशा मित्रों को भी बोलिए रिश्तेदारों की भी बोलिए और उनको यह शेयर कर दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक स्वस्थ रहे खुश रहे आई विश ऑल द बेस्ट टेक केयर एंड सी यू सुन